जैन मूर्तियों का क्या प्रभाव पड़ता है? अरे, जिन प्रतिमाओं को देख करके जिनेंद्र बनने के भाव जागृत होते हैं, इससे ज़्यादा बड़ी और क्या बात होगी। भगवान का भक्त भगवान जैसा बन जाता है, इससे सुंदर क्या बात कही जावे। हे जिनेंद्र, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की पूर्ति, ये चार तरह के पुरुषार्थ हैं। पूरे दुनिया में ये चार तरह के पुरुषार्थ कहे जाते हैं। सारी दुनिया धर्म, अर्थ और काम में उलझी है और हमारा जिनागम मोक्ष प्राप्ति के लिए बातें कहता है। धर्म का भी स्वरूप नहीं समझते, अर्थ का भी स्वरूप नहीं समझते, अरे काम का भी स्वरूप नहीं समझते और मुक्ति के स्वरूप को भी नहीं पहचानते। अज्ञानियों की कैसी हालत है? अज्ञानी जीव महादुखी हैं, ना समझी में तो दुख ही दुख है भाई साहब, ना समझी में तो दुख है दुख। ये कह रहे हैं इन चारों पुरुषार्थों की पूर्ति कर चुकने से जो कृतकृत्य हो गए हैं, ऐसे जिनेंद्र देव तो स्तुति करने योग्य हैं। स्तुति किसकी करें? क्या स्तुत्य, स्तुति करने वाला स्तोता, और स्तुति और स्तुति का फल चार बातें होती है, ध्यान रखना। इन्हीं चार बातों को मैं दूसरे शब्दों में भी कह सकता हूँ, पूज्य, पूजक, पूजा और पूजा का फल। पूजक कौन है, पूजा क्या होती है और पूजा का फल क्या होता है, ये चार बातें जानी जाती है भाई साहब। इन चार बातों के बिना आपकी सच्ची पूजा नहीं हो सकती है, इनके बिना पूजा आपकी सच्ची नहीं होगी। निर्मल भावों का धारक, निर्मल शुद्ध भावों का धारक जो भव्य जीव है, वही जीव स्तोता होता है, स्तुति करने वाला होता है। और आपके पवित्र गुणों का कथन, हे जिनेंद्र देव तुम गुण कथन, वही वास्तव में स्तुति कहलाती है। और ऐसी स्तुति का फल मोक्ष का अविनाशी सुख है, ये स्तुति का फल है। सच्ची स्तुति का फल क्या होता है, स्तुति करने का वास्तविक फल क्या है, मुक्ति की प्राप्ति कर लेना, ये स्तुति का सच्चा फल है। चिंतामणि रत्न को छोड़कर कांच के टुकड़े चाह रहा है, कंकड़ पत्थर पर मुग्ध हुआ, चैतन्य खजाना भूल गया, चेतन को मिला जब नर तन। तो अरे किसकी एवज में क्या जा रहा है, कुछ होश ही नहीं है भाई साहब। किसकी एवज में क्या जा रहा है, किसके बदले में क्या जा रहा है, ये क्या मांग रहा है कि आचार्यों वे धर्म शास्त्रों ने तो जिन दर्शन से वीतरागता की प्राप्ति होना और जिन भक्ति से मोक्ष की प्राप्ति होना बतलाया है। विचार, इसमें विचार करने की क्या बात है भाई साहब, विचार करो क्या बतलाया है हमारे जिनेंद्र देव ने, क्या बतलाया है हमारे शास्त्रों में, क्या बातें बतलाई गई है, हैं? आचार्यों ने धर्म शास्त्रों में क्या बातें लिखी हैं, जिन दर्शन से वीतरागता का पोषण होता है। क्या जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से वीतरागता का पोषण होता है, ये जनवाणी वीतरागता की पोषक है। जिनेंद्र देव भी वीतरागता के ही पोषक हैं, इनकी प्राप्ति होना बतलाया है। और भक्ति से, भक्ति मुक्ति दातार, भक्ति से मुक्ति की प्राप्ति होती है, लेकिन सच्ची भक्ति जब होवे तब होगा काम। भक्ति को मुक्ति का कारण कहा गया है, जिनागम में कहा गया है, लेकिन कौन सी भक्ति को? अरे अभेद भक्ति, निर्गुण भक्ति, जिसे मुक्ति का कारण कहा गया है, वो जिन भक्ति से साक्षात मोक्ष की प्राप्ति होना बतलाया है। परंतु क्या, परंतु आजकल श्री जिन प्रतिमा का दर्शन, स्तवन और पूजन करने वाले अधिकांश जैन असली फलों को भूलकर ऐसी प्रवृत्ति कर रहे हैं कि जिससे धर्म का मार्ग बिगड़ता जा रहा है। ओहो, धर्म मार्ग बिगड़ रहा है भाई साहब, धर्म बदनाम हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं जरा देखना, चिंतामणि रत्न के समान टुकड़ों को छोड़कर के जो बात कह रहे हैं, वे भक्ति के फल में चिंतामणि को छोड़कर कांच का टुकड़ा मांग रहे हैं, क्या हो गया है? क्या ये भिखारीपन नहीं हो रहा है कि हे भगवान आपके माथे पर जल धारा छोड़ूंगा मेरा कोरोना मिट जाए, हे भगवान मैं आपको इतने का प्रसाद चढ़ाऊंगा मेरा ये काम हो जाना चाहिए, हे प्रभु आपकी कृपा हो जाए, हे भगवान आपका आशीर्वाद मिल जाए, ये तू कर क्या रहा है? भक्ति मुक्ति दातार का है हमारे यहाँ तो जनागम में, क्या
धर्म बिगड़ता जा रहा है, धर्म का मार्ग नुकसान हो रहा है, धर्म विध्वंस हो रहा है, धर्म बर्बाद हो रहा है, धर्म का स्वरूप समझ नहीं रहे हैं और धर्म के नाम पर क्या क्या कर रहे हैं, क्या धर्म के नाम पर क्या अनर्थ नहीं हो रहे हैं आज सारे समाज में, जगह जगह जिन मंदिरों में धर्म के नाम पर क्या हो रहा है, धर्म के नाम पर नाच गान हो रहे हैं, धर्म के नाम पर डांडिया खिलाए जा रहे हैं, धर्म के नाम पर कवि सम्मेलन हो रहे हैं, धर्म के नाम पर विकृतियां हो रही है, धर्म के नाम पर फैंसी ड्रेस प्रतियोगिताएं हो रही है, फैंसी ड्रेस करा लो, धर्म के नाम पर वो 1 मिनट प्रतियोगिताएं होती है, यार विवेक नहीं है, कुछ होश नहीं है। ये जितनी बातें चल रही है उन सब के ऊपर मानो यहाँ ये कहना चाहते हैं कि हो क्या रहा है, क्या हे भगवान ऐसा ऐसा करूँगा, सोने का छत्र चढ़ाऊँगा, हीरा चंजी वैसा क्या क्या करूँगा बोलो हैं। ये कह रहे हैं धर्म का मार्ग बिगड़ता जा रहा है, धर्म नहीं बिगड़ रहा है धर्म का, ये तो कहने की भाषा है जी, क्या कहें, धर्म का मार्ग तो कभी बिगड़ता नहीं है, धर्म का मार्ग तो कभी बिगड़ सकता नहीं है, धर्म का मार्ग ही नहीं है ऐसा कह सकते हैं, धर्म के नाम पर गलत मार्ग पकड़ रखा है ऐसा कहेंगे हम, धर्म के नाम पर रास्ता गलत पकड़ लिया है ऐसा हो रहा है, और वे भक्ति के फल में चिंतामणि को छोड़कर, अरे भक्ति के फल में तो चिंतामणि मिलने वाला था, चिंतामणि माने सर्व दरिद्रता दूर होने वाली थी, चिंतामणि माने दुखों का नामो निशान मिटने वाला था, चिंतामणि माने मुक्ति की प्राप्ति हो रही थी, उसे छोड़कर कांच का टुकड़ा मांग रहे हैं। अब बतलाओ क्या करें, चिंतामणि को छोड़कर कांच का टुकड़ा मांग रहा है, इसे फर्क ही पता नहीं है कि जिनेंद्र देव की भक्ति क्या होती है, सच्चे वितरागी भगवान कौन होते हैं और रागी कौन होते हैं, इसका विचार विवेक ही नहीं है क्या। मंदिर में बर्थडे मनाते हैं इतना तो ठीक है, मंदिर में लड़के लड़कियों को देखने का प्रोग्राम रखते हैं, मंदिर में देखने का प्रोग्राम रखो क्या, कहाँ जा रहे हो कि इनके लिए लड़का देखने के लिए जा रहे हैं, कि कहाँ जा रहे हो कि वो मंदिर में रखा है, हाँ मंदिर में सब वो भी लड़के वाले भी उधर आ जाएंगे, लड़की वाले भी उधर आ जाएंगे, ये मंदिर इसी के लिए बचा है, अब मंदिर को सूचना केंद्र बना रखा है क्या। आज बहुत से मूर्ख दूर दूर से महावीर जी, पदमपुरी जी और हमारे तिजारा वाले भी हैं, यहाँ पर बहुत सारे साधर्मी तिजारा आते हैं भूत भगाने के लिए, दूर दूर से तिजारा आते हैं, मन्नत मांग करके आते हैं और क्या करते हैं, वहाँ आकर के प्रभु के दरवाजे पर आकर के उनको क्या चढ़ाते हैं, जड़ूला उतरवाते हैं, अपने सर के सारे बाल उतार करके वहाँ चढ़ाते हैं, खुद के भी चढ़ा दो, बच्चों का मुंडन कराते हैं, तस्करी होती है, व्यापार होता है इनका, इन बालों का बेचे जाते हैं, दुरुपयोग होता है इनका, कहाँ जाकर के भगवान के सामने जाकर के चढ़ा करके आ रहे हो आप, आश्चर्य तो तब होता है जब स्वाध्यायी लोग भी उस धुन में सवार हैं, उनका भूत सवार है, सही कह रहे हैं भाई साहब, 70 साल पहले लिखी है ये बात, आज लिखते तो और क्या लिखते बोलो,